बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी पालक और आलू के पकोड़े। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिलता रहे। तो चले जी शुरू करते हैं। हाँ जी, ये 1.5 पाव के करीब बेसन है, इसको मैं डालूँगी ये परात के अंदर। बेसन चला गया, अब इसके हम मसाले डाल देते हैं। जो जो इसके मसाले हैं ना वो डालेंगे हम। ये साबुत ज़ीरा ये चला गया इसके अंदर। ये 1 चम्मच के करीब खुश्क कसूरी मेथी है, खुश्क कसूरी मेथी ये चले गई। ये 1/2 चम्मच के करीब चाट मसाला है, ये चला गया। ये अजवाइन है, ये अजवाइन मैं डालूँगी, ये मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। अजवाइन भी चले गई। नमक डालेंगे हम हसबे ज़रूरत। ये थोड़ी सी पिसी सुरह मिर्च है। मसाले अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरह कुटी दड़ा मिर्च ये चले गई। 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया ये चला गया। थोड़ा सा और डाल देते हैं, पकौड़े में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये 2 चम्मच के करीब अनारदाना साबुत ये चला गया। मसाले सारे हम मिक्स कर लेते हैं, फिर सब्ज़ी डालते हैं। ये 1/2 पाव के करीब पालक है, मैंने इसको बारीक काट लिया। ये धो के मैंने इसको अच्छे से रख लिया था। ये चलेगी इसके अंदर। ये 3 छोटे मैंने आलू लिए, इनको मैंने ऐसे बारीक काट लिया, धो लिया अच्छे से। ये पुदीना, इसके पत्ते मैंने लिए थे, इसकी पत्तियां मैंने ली थी बारीक काट लिया, इसको भी मैंने धो लिया अच्छे से। ये चला गया पुदीना। ये पुदीना डालें, ये मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका भी पकौड़े में ना बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। ये 2 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया, ये चले गई। ये 1 अदद प्याज थी, मैंने बारीक इसको भी काट लिया, ये भी चलेगी इसी के अंदर। ये धनिया मैंने थोड़ा सा लिया, इसको भी बारीक काट लिया मैंने, ये चला गया इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसका ना पेस्ट हम बना लेंगे। पहले ऐसे इसको मैं कर लूँ, फिर पानी थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा पानी मैं डालूँगी, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि ये आपस में घुल मिल जाएं, मसाले भी पेस्ट सा बना लेंगे, ना गाढ़ा ना और नरम। हाँ जी, ये 1 अदद अंडा मैं डालूँगी इसी के अंदर। ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हम करेंगे मिक्स। अंडे को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं हम। हाँ जी, अंडे को मैंने मिक्स कर लिया, बिल्कुल इसी फॉर्म में ऐसे ही रखना, ना गाढ़ा हो ना पतला हो, ठीक है जी। अब चूल्हे पे मैं कढ़ाई रखूँगी, उसमें डालूँगी ऑयल मैं। हाँ जी, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, इसमें मैं डालूँगी ऑयल। हसबे ज़रूरत ऑयल डालेंगे, जितना हमें चाहिए होगा उतना ही। ऑयल चला गया, अभी ऑयल हमारा गर्म होता है फिर हम पकौड़े निकालते हैं। हाँ जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम पकौड़े निकालते हैं। ऐसे उठाएंगे चम्मच के मदद से, हम ऐसे डालते जाएंगे। पकौड़े मैंने डाल दिए थे, अब इनकी मैं साइड चेंज कर दूं। ये एक साइड से पक चुके हैं, अब दूसरी साइड से, दोनों साइडों से ये ब्राउन हो जाएंगे, फिर इनको हम निकालेंगे। ऐसे इनकी साइड चेंज कर देंगे और इनको हम ना लो आंच पे पका रहे हैं क्योंकि सब्जियां हमारी गल जाएं, ये नहीं कि ऊपर से ये पक जाएं और अंदर से कच्चे रहें। हाँ जी, पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, दोनों साइडों से पक गए हैं। मैं अब इनको निकालती हूँ प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह से इनकी रंगत कलर देखें, ऐसे बिल्कुल आपने भी निकाल लेने हैं। अब ये मैं प्लेट में निकालूँगी,
फिर दूसरे निकाल लेते हैं हम। हाँ जी, सारे पकौड़े मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर इनकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। हाँ जी, पकौड़े बिल्कुल हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर बनाएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।